फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल लाहटा वीकेंड बिजनेस एनालिसिस आपको तो पता ही है फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी प्लेयर्स अफसोस प्लेयर्स बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई इनफैक्ट द कलेक्शन वर फार फ्रॉम एनकरेजिंग एक्चुअली सच पूछा जाए तो इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन मिक्स थी एंड सो ऑल्सो अमंग द पब्लिक प्लेयर्स की कास्ट देखकर लेकिन अब्बास मुस्तन का नाम था इसलिए पब्लिक ने और ट्रेड में भी लोगों ने सोचा कि कुछ तो होगा इस फिल्म में जो फिल्म को पार कर देगा इस फिल्म में प्रीतम चक्रवर्ती का जो म्यूजिक था बहुत ही कमजोर था और आप तो जानते ही है आजकल पब्लिक ये डिसाइड पहले ही कर लेती है कि इस फिल्म को फर्स्ट वीकेंड में देखना है या नहीं देखना है बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वन इज द ट्रेलर ऑफ द फिल्म या ट्रेलर जो आउट होते हैं उसके बलबूते पर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखना है या नहीं देखना है एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर इज द फिल्म म्यूजिक इस फिल्म के ट्रेलर तो ठीक ठाक थे लेकिन संगीत काफी कमजोर था पॉपुलर नहीं हुआ था इसलिए भी लोगों को इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस कम थी एंड इट एक्चुअली डिड नॉट लिव अप

माना कि कोई भी बहुत बड़े स्टार्स नहीं है बट ऑल नंबर ऑफ स्टार्स अगर आप गिने तो बहुत ज्यादा है अभिषेक बच्चन बॉबी दियोल नील नितिन मुकेश विपाशा बासु, सोनम कपूर ओमी वैद्य जॉनी लीवर दैट्स नॉट टू लेस नंबर और इन सबको देखते हुए साढ़े चार पौने पांच करोड़ रुपए फॉर द फर्स्ट डे इज इन डीड अ पोआ फिगर सैटरडे को कलेक्शंस स्लाइटली चार या पांच लाख इधर उधर हुए यानी चार या पांच लाख गिर गए और इसलिए द सैटरडे फिगर वाज आल्सो अप्रॉक्सिमेटली फोर एंड हाफ टू फोर पॉइंट सेवन फाइव करोड़ अगेन पुअर फिगर बिकॉज द पॉजिटिव थिंकिंग पीपल ने ऐसा सोचा था कि फ्राइडे को भले ही शुरुआत कमजोर मिली है सैटरडे को इसके कलेक्शंस जरूर पिकअप होंगे लेकिन नो ऑल न्यू दैट दिस वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्राइडे को ही रिपोर्ट काफी खराब आ चुकी थी संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बेटर थे आखिर छुट्टी का दिन था बट फिर भी इतने बेटर नहीं थे या पीपल एसोसिएटेड विद द फिल्म या फिर कोई भी ट्रेड में खुश हो जाए संडे इज नेट कलेक्शन वॉज जस्ट इन द रीजन ऑफ साढ़े पांच या पौने छ करोड़ रुपए और इसलिए तीनों दिनों का टोटल मिलाकर हुए साढ़े चौदह पंद्रह करोड़ रुपए विच अगेन एज यू ऑल अंडरस्टैंड बाय नाउ इज नॉट अ वेरी एनकरेजिंग फिगर इज नॉट अ वेरी गुड फिगर बिकॉज तीन दिन की कलेक्शन की बात हो रही है आजकल तो पहले दिन के कलेक्शन चौदह पंद्रह सत्रह अठारह करोड़ होते हैं और कहां इस फिल्म के तीन दिन की कलेक्शन साढ़े चौदह पंद्रह करोड़ रुपए एंड संडे को यह क्लियरली एस्टैब्लिश हो गई बात कि इस फिल्म का अब फ्यूचर नहीं है और इसलिए मंडे को कलेक्शन सैटरडे संडे की जो पब्लिक सिनेमाघर में घुसी और बाहर निकलकर जब उन्होंने फिल्म की बुराई की तब द कलेक्शन ऑन मंडे नोज डाइड और ऐसे ही केसेस में सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं लाइक ट्विटर फेसबुक ये प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म से जुड़े लोगों को बहुत खतरनाक और बहुत गंदे लगने लगते हैं बिकॉज ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो न्यूज होती है दैट द फिल्म इज बैड द फिल्म इज नॉट वर्थ वॉचिंग इट्स क्वाइट अ बोरिंग फिल्म ये सब सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसी न्यूज को बहुत ही फास्ट रेट पर मल्टीप्लाई करते हैं और देफो दीज प्लेटफॉर्म्स कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर फिल्म लाइक प्लेयर्स तो ये तो हुआ हमारा वीकेंड एनालिसिस ऑफ प्लेयर्स